स्किल जो है वो ज़्यादा मैटर करता है। फ्रेश ग्रेजुएट्स ये गलती करते हैं दैट दे आस्क द कंपनीज टू गिव देम एक्सपीरियंस। फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर से गो आउट इन द मार्केट, आप कंपनीज में जाएं, आप स्किल डेवलप करें। हर चीज़ के लिए डिग्री और वो सर्टिफिकेशन जो पेपर है ना वो आपको ज़रूरी नहीं है। मैंने उस चीज़ का बॉक्सेस में डालने का एक्सपीरियंस तो ले लिया बट उसको एफिशिएंटली कैसे करना था वो मैं नहीं कर पाई। वो बहुत छोटे घर से बहुत बैकवर्ड फैमिली से बिलोंग करती थी, उसने मुझसे वो काम बेहतर कर लिया। इट्स अ ट्रूथ कि हमें इंग्लिश कम्युनिकेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप गुजारा कर लें किसी एक चीज़ में और आप परफॉर्म बहुत अच्छा करें तो दोज पीपल आर वेरी नाइस। इफ़ यू आर रिजिड कि मैंने तो इंग्लिश बोलनी ही नहीं है, आई थिंक दैट यू हैव सम यू नो लिमिटेशन दैट यू हैव सेट फॉर योर सेल्फ। स्टैंडर्ड इस तरह से सेट किए हुए हैं कि अगर इस यूनिवर्सिटी से ये कोर्सेज इन टीचर्स से इन्होंने पढ़े हुए हैं तो अनइंटेंशनली दे नो कि ये बंदा अच्छा काम कर लेगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों आज हम जिन गेस्ट से आपकी बात करवाने जा रहे हैं, आई मीन शी इज़ अमेजिंग वंडरफुल एचआर प्रोफेशनल, उनके साथ हम डिस्कशन करने जा रहे हैं एक बड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। और वो टॉपिक ये है कि डिग्री और स्किल क्या ज़्यादा ज़रूरी है, आज हम उनसे पूछेंगे। और आज हम उनसे ये भी पूछेंगे कि बाऊजी, उनके एक स्टोरी में बाऊजी जो एक ऐसी शख्सियत है जो कि माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं, पहले पाकिस्तानी हैं, उनकी सक्सेस स्टोरी भी हम जानेंगे। आइए मिलते हैं हिरा इकबाल से जो कि काम कर रही हैं एज ए टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर मनाफ में। थैंक यू वेरी मच हिरा इकबाल फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, एंड बाय द वे आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। यू मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, एंड लाइकवाइज आई एम ऑलरेडी एक्साइटेड फॉर दिस सेशन। ग्रेट, वंडरफुल। अच्छा हिरा, हम टॉपिक पे तो जरूर बात करेंगे और टॉपिक है आज हमारा क्या ज़रूरी है किसी भी यंग प्रोफेशनल के लिए, कि एक्सपीरियंस ज़रूरी है या स्किल ज़रूरी है, इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। बट वी वुड लाइक टू नो अबाउट योर जर्नी, योर वर्किंग एज ए टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर एट मनाफ, और एक मनाफ एक बहुत बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह ग्लोबली एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस है। तो ये जो जर्नी है टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर का, ज़रा हम इस पर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। एचआर पे आने का जो सोचा था वो बाई चांस था या बाई चॉइस था? It was actually by choice and I got the chance as well. So what happened was that I'm good in with people skills, I'm good with networking and communication skills. So my family actually focused on that. They analyzed that this is the part that I'm good at and I should pursue this field. And when I opted that, I got into that, it actually went great for me, it worked out for me. And about the job, I immediately started looking for HR related positions and marketing, but I was not that much into marketing side because I know what I prefer and what suits me a lot. So HR was by choice and I got good chances, alhamdulillah. I mean, amazing and superb. Yes, you're right. I mean, ये तो आप lucky है कि आपको by choice काम करने का मौका मिल गया। मैं तो खैर काफ़ी interviews करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि सारी majority HR वाले कहते हैं यार by chance था, doctor बनना था भाई, ये सोचा था, तो I mean HR में हम जो है वो बाई चांस ही आ गए, बाई चॉइस नहीं था हमारा। सो हीरा, जो हमारा टॉपिक है कि डिग्री ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि स्किल्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या मतलब आई मीन किस तरह से एक बड़ा हमें सुनने को मिलता है वो ये मिलता है यार कि नौकरी नहीं मिल रही है क्योंकि हमारे पास तजर्बा नहीं है, हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो भाई आप ये बताएं कि फ़्रेश ग्रेजुएट्स जो है उनके बिहाफ़ पे आज हम आपसे पूछ रहे हैं कि वो कहाँ जाए बेचारा, क्या करे वो, उसको तो आप लोग कहते हैं कि एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, लेकिन जब आप उसे अपॉर्चुनिटी देंगे तो एक्सपीरियंस मिलेगा ना, तो वॉट इज़ योर इनटेक ऑन इट? Well, everybody has their own opinion. मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि स्किल जो है वो ज़्यादा मैटर करता है इन द लॉन्ग रन, बिकॉज जब हम फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं ऑब्वियसली हमें जॉब चाहिए होती है, वी वॉन्ट टू गिव इंटरव्यूज़ और वी वॉन्ट सेलेक्शन, ये सब कुछ हमें वी आर नीडी एट दैट टाइम, नॉट जस्ट इन द फाइनेंशियल सेंस बट हमारे करियर डेवलपमेंट के लिए वी आर ईगर टू ज्वाइन सम कंपनी। बट कुछ फ्रेश ग्रेजुएट्स ये गलती करते हैं दैट दे आस्क द कंपनीज टू गिव देम एक्सपीरियंस, कि आप हमें एक्सपीरियंस देंगे तो हम एक्सपीरियंस मिलेगा ना, हम तो अभी जॉब ही नहीं कर रहे तो हाउ कैन वी गिव यू एक्सपीरियंस, उसकी बेसिस पे नहीं आ सकते। बट व्हाट दे शुड थिंक इज़ दैट वो कंपनीज़ को कहें कि आप हमें लर्निंग दें,
आप हमें लर्निंग देंगे तो हम आपको काम दे सकेंगे ना, क्योंकि किसी को एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, हर कंपनी को बिजनेस चलाना है और उन्हें काम चाहिए. सो यू नीड टू डेवलप योर स्किल्स, और उसके लिए फ्रेश ग्रेजुएट होना ज़रूरी नहीं है. आप यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग स्ट्रेटेजिकली. फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर से गो आउट इन द मार्केट, आप कंपनीज में जाएँ, आप स्किल डेवलप करें, दैट वॉन्ट बी काउंटेड एज योर एक्सपीरियंस, लेकिन वो आपको इंटरव्यू तक पहुँचा देगा और इंटरव्यू में आपको इतना नॉलेज दे देगा कि आप उसको अलर्ट कर सकें इंटरव्यूअर को कि मेरे पास मार्केट नॉलेज है. सो एट द एंड ऑफ द डे नॉलेज और स्किल्स ही काम आते हैं, बिकॉज फ्रेश ग्रेजुएट के पास तो एक्सपीरियंस नहीं होगा. देर इज़ अ रीज़न कि वो किसी बेसिस पे जॉब लेगा, अनपेड लेगा या ऑन अ लेस स्टाइपेंड. सो इन माय ओपिनियन फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है प्रैक्टिकल स्किल, नॉट जस्ट थियोरेटिकल, प्रैक्टिकल. सो स्किल ऑन माय एंड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. Agreed and wonderful. बिल्कुल आपने ये ठीक कहा. अच्छा, we are working in a tech sector और आप देखते हैं हम different stacks पे काम करते हैं, हम लोग hire करते हैं, लेकिन उनकी degrees इतनी मतलब नहीं होती हैं, education qualification, लेकिन उन्हें काम आता है, मतलब वो सारी चीज़ें. तो आप क्या समझती हैं कि जो soft skills हैं वो कितना important role play करती हैं technical skills के साथ साथ? So about degree, see, I am graduated from FAST, alhamdulillah. My parents were well and you know, they were well settled कि वो मुझे FAST में भेज सकें, expenses उठा सकें. But बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी families नहीं afford कर सकती, but still जैसे कोई छोटी university से private online घर बैठ के degree ले रहा है, they're still making their efforts. So आपने देखना है कि वो अपने हैसियत के मुताबिक वो बंदा कितनी effort कर रहा है. अगर मेरी हैसियत FAST जितनी थी और मैंने उतनी ही effort की, तो it's I balanced it out. लेकिन एक बंदा अगर एक विलेज एरिया में बैठा हुआ है और उसने ऑनलाइन डिग्री ले ली, तो उसने अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी एफर्ट कर ली. दैट्स द ट्रेड ऑफ दैट वी नीड टू फोकस. सो डिग्री इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बहुत अच्छे रिसोर्स हैं मेरे एक्सपीरियंस में जो मैंने टेक में हायर किए हैं, हु आर जस्ट हु हैव जस्ट गॉट सम ट्रेनिंग्स कुछ इंस्टीट्यूट्स से, एंड दे आर डूइंग वेरी वेरी वेल कम्पेयर टू दोज जो कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हैं. सो इन शॉर्ट, इट्स नॉट दैट कि आपको डिग्री बहुत ज़रूरी है हर चीज़ के लिए. हर चीज़ के लिए डिग्री और वो सर्टिफिकेशन जो पेपर है ना, वो आपको ज़रूरी नहीं है. बट वट विल टेक यू फर्दर इज़ योर सॉफ्ट स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, मे बी आपकी नेगोसिएशन स्किल्स, हाउ यू प्रजेंट योर सेल्फ इन एन इंटरव्यू. इंटरव्यूर के लिए आप भी सेम हैं और किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से आया हुआ बंदा भी सेम है. सो यू हैव टू persuade that person to prefer you on basis of your soft skills. So जो soft skills हैं वो आपकी practical knowledge से develop होती हैं, वो books और presentation बनाने और projects बनाने से develop नहीं होती. That's a part of your personality that you build up with time. So even without a degree, if you have good soft skills, then I think you have a good scope of going forward. I'm great, wonderful. और मेरा ख्याल है कि ये program उन लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा जो लोग ये सोच रहे हैं यार कि हम शायद इतना पढ़े नहीं हैं, लेकिन हमारे पास स्किल्स हैं और हम आगे जाना चाहते हैं और हम अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं. अमेजिंग, आई मीन व्हाट अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन हीरा. हीरा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आप यू वर्किंग इन अ टेक सेक्टर, समटाइम ये देखा गया है कि मंडी भाउदीन से, रूरल एरिया से, गुजरांवाला से, इवन फैसलाबाद से, ऐसे हमारे चीते ज़बरदस्त किस्म के जो डेवलपर्स हैं वो आते हैं, और आप सोचते हैं यार ये तो मैंने लाहौर और कराची और इस्लामाबाद से तो ये बंदा उठाए नहीं, आई मीन ऐसे एरिया से. और आप क्या समझती हैं कि जो स्किल्स हैं या एजुकेशन है या क्वालिफिकेशन है, एरियाज़ टू एरियाज़ वो वेरी करती है, या बड़े शहरों में आपको अच्छा टैलेंट मिलता है, या आप समझती हैं कि रूरल एरियाज़ में जो टैलेंट आ रहा है वो ज़्यादा लोग मेहनती होते हैं और वो निखर के सामने आते हैं? एक और इसी क्वेश्चन से रिलेट करूँगा मैं, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, अंग्रेज़ी में बात करना, क्योंकि वी आर वर्किंग इन अ टेक सेक्टर, तो वी आर डायरेक्टली वर्किंग विद द क्लाइंट्स. लोगों को बड़ा मसला होता है कि यार हम कैसे इसको मैनेज करें. तो पहले आप ज़रा आंसर दीजिएगा कि जो बड़े शहरों से आपको बेहतर टैलेंट मिलता है, या फिर आप समझते हैं कि रूरल एरिया से जो लोग हैं वो ज़्यादा मेहनती होते हैं? Actually, I'll put in a small story. What happened was, एक से दो हफ्ते पहले we were moving some stuff around the house and my maid was working there. और कुछ काम उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिए, कुछ काम मेरे फादर ने मुझे कहा दैट यू शुड डू दिस. बट आई वॉज सपोज टू डू, आई वॉज सपोज टू पुट सम सूट केसेज एंड कार्टन्स, और वो सूट केसेज बिल्कुल उन कार्टन्स के साइज़ के थे. सो आई स्पेंट अबाउट एन आवर बहुत मुश्किल से, आई पिक देम अप, दे वर क्वाइट हैवी, और मैंने उन कार्टन्स में डाला. कभी कार्टन स्लिप हो जाता था, कभी सूट केस गिर जाता था. सो आई केम डाउन स्टेयर्स और मैंने फिर आई टोल्ड माई फैमिली दैट दिस वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग दैट आई डिड इन ऑल द मूविंग स्टफ. सो माई मेड सेड के बाजी आप कार्टन उल्टा करके उसके ऊपर डाल देती हैं.
आपको उठाने की क्या जरूरत थी? सो शी इज़ नॉट एजुकेटेड इनफ, शी डिडंट गो टू अ गुड यूनिवर्सिटी, वो किसी बहुत अच्छे सिटी से बिलोंग नहीं करती, बट शी न्यू कि ये मेरा काम है और मैंने इसको आसान और सिंप्लीफाई कैसे करना है, एंड आई डिडंट नो दैट. सो आई वॉज वर्किंग, मैंने एक घंटा तो लगाया, मैंने उस चीज़ का बॉक्सेस में डालने का एक्सपीरियंस तो ले लिया, बट उसको एफिशिएंटली कैसे करना था वो मैं नहीं कर पाई. सो इवन दो कि वो बहुत छोटे घर से, बहुत बैकवर्ड फैमिली से बिलोंग करती थी, उसने मुझसे वो काम बेहतर कर लिया. सो एक तो ये कि कुछ ऐसे लोग डेफिनेटली होते हैं एंड दे नीड अप्रिसिएशन, जो कि हमारे इर्द गिर्द ही काम कर रहे होते हैं और चीज़ों को हमारे लिए बहुत सिंप्लीफाई कर देते हैं, जिनको हम कभी रियलाइज़ नहीं करते. सो इफ़ वी अप्रिशिएट दोज पीपल, इफ़ वी पुट देम फॉरवर्ड, अगर हम उनको एक ग्रुप में स्टैंड आउट करें, हाईलाइट करें, तो उनके लिए मोटिवेशन मिलती है एंड दे विल डू फार बेटर दैन पीपल लाइक अस. एंड अबाउट द सेकेंड थिंग, कम्युनिकेशन, डेफिनेटली इट्स इंपॉर्टेंट, आई वॉन्ट डिसअग्री अबाउट दैट, एंड इट्स यू नो इट्स अ ट्रूथ कि हमें इंग्लिश कम्युनिकेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं जो जिनके साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन करनी होती है, बट इफ़ यू आर मेकिंग थिंग्स वर्क, अगर आप फॉर एग्जाम्पल गुजारा कर लें किसी एक चीज़ में और आप परफॉर्म बहुत अच्छा करें, तो दोज पीपल आर वेरी नाइस, दे आर वेरी पोलाइट एंड वेरी लीनेंट, दे ट्राई टू बी यू नो अंडरस्टैंडेबल विद यू. सो अगर हम थोड़ा सा अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करके विद टाइम गुजारा कर लें उस चीज़ में, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस को बहुत अच्छा रखें, तो आई थिंक इट बैलेंसेज आउट द एवरीथिंग. It strikes a very right balance in this, और आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है. But not that, I mean, if you are rigid, कि मैंने तो English बोलनी ही नहीं है, I think that you have some, you know, limitation that you have set for yourself. So you need to grow and you need to grow with the market. आप उसके साथ parallel चलना है, and I think communication is the key जिसके अंदर आपको थोड़ा forward जाना पड़ेगा. Agreed. अच्छा हीरा, जब हम आपके साथ एक session plan कर रहे थे, तो एक हमारी follower है, उनका एक क्वेश्चन था. क्वेश्चन ये था कि सर, हीरा क्योंकि वर्किंग एज ए टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर, उनसे ये ज़रूर पूछें कि ऐसा क्यों हो रहा है हायरिंग में कि जो टॉप टीयर्स की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ इदारे उन्हीं से उठा रहे हैं स्टूडेंट्स, बाकी लोगों को चांस क्यों नहीं मिल रहा? मतलब क्या बाकी यूनिवर्सिटीज़ काम नहीं कर रही? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. यूनिवर्सिटीज़ और कुछ इंस्टीट्यूट्स भी ऐसे हैं जो बहुत छोटे लेवल पे बहुत अच्छी ट्रेनिंग्स दे रहे हैं. इट्स जस्ट दैट एक ब्रांडिंग हो चुकी है, एक ट्रस्ट फैक्टर उन इंस्टीट्यूशंस के साथ डेवलप हो गया है. हमारी यूनिवर्सिटी से कुछ लोग, दे वेंट टू माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल, एंड वन ऑफ द क्वेश्चंस इन दोज इंटरव्यूज़ वर, वी हैड द टीचर नेम बाऊजी, उनको सब बाऊजी कहते थे, एंड ही वेंट फॉर एन इंटरव्यू इन माइक्रोसॉफ्ट, एंड देयर एक बंदे ने एक सवाल पूछा कि आपने बाऊजी से कोई कोर्स लिया हुआ है? सो ही सेड येस, एंड दे सेड कि अगर इन्होंने उस टीचर से कोर्स लिया हुआ है ना, तो आई थिंक ही फुलफिल्स द क्राइटेरिया. उन्होंने अपने स्टैंडर्ड जिस तरह से सेट किए हुए हैं कि अगर इस यूनिवर्सिटी से ये कोर्सेज इन इन टीचर्स से इन्होंने पढ़े हुए हैं, तो अनइंटेंशनली दे नो कि ये बंदा अच्छा काम कर लेगा. सो दैट्स द क्राइटेरिया के जो मार्केट में सेट हो गया है. वी शुड नॉट अप्रिशिएट दिस थॉट, लेकिन इट्स अ थिंग दैट वी have to you know go on, but जहाँ आपका skill आता है वो उस चीज़ को balance out कर सकता है. When you put in your skill on the table, तो जब बंदा आपका काम देखता है, आपकी efficiency देखता है, तो फिर वो आप उन चीज़ों को, उस brand को, उस marketing को ignore करके आपको as a person, as an individual analyze करता है. आपके कहने का मतलब है कि काम बंदे को आना चाहिए, तो universities matter नहीं करते हैं. I mean, आपने आपको आप prove करें, then you will be there. Definitely. Me being from FAST, I have never hired anyone from FAST. मेरे 6 साल के एक्सपीरियंस में मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी से लोग हायर किए हैं, मैंने अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से हायर किए हैं, मैंने PNY ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से लोग हायर किए हैं. मुझे अनफॉर्चुनेटली ऐसा चांस नहीं मिला कि मैं FAST का कोई बंदा हायर करती, लेकिन अगर मैंने वो सब हायरिंग्स की हैं एंड दे आर गोइंग वेल विद देयर करंट कंपनी, सो आई थिंक दे वर केपेबल इनफ. Great, wonderful. Thank you very much, Hira, for your time. I mean, you were amazing and superb. Any final word about Kasi Malaysia Foundation? This is a great platform. I really appreciate the things that these people are doing on volunteer side, education sector, tech sector. I mean, private sector mein bhi in logon ka bahut acha contribution hai. Aur the visibility they have in these days, and especially because of you, thanks to you as well, it's really, I mean, it's amazing. We really appreciate it, and we should be make ourselves available for this. हमें इन चीज़ों के लिए अपने आप को रीचेबल बनाना चाहिए. इफ़ एनी वन ऑफ यू गाइज रीच अस आउट, हमें एक्सेस करें, तो वी शुड ऑलवेज बी देयर फॉर दीज काइंड ऑफ पीपल हु आर डूइंग गुड फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी. थैंक यू. आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का. हीरा इकबाल, जो कि हेड ऑफ टैलेंट एक्विजिशन है एट मनाफ, वो हमारे साथ थी.
उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से एक फ्रेश ग्रेजुएट अपने आप को प्रिपेयर कर सकता है मार्केट के लिए, क्या स्किल ज़रूरी है, क्या डिग्री ज़रूरी है, इसके ऊपर उन्होंने आज हमसे बात की। और उन्होंने बाऊजी की एक एग्जांपल दी कि बाऊजी इज़ वर्किंग इन अ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, और बहुत सारे ऐसे बाऊजी पाकिस्तान में हैं, क्योंकि हमारा जो पाकिस्तान है इज़ फुल ऑफ टैलेंट, लेकिन हमें पहचानने की ज़रूरत है, हमें देखने की ज़रूरत है कि वो टैलेंट कहाँ है। अगेन आपका भी शुक्रिया कि आपने एपिसोड देखी, अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम इम्प्रूव कर सकें। दुआ हमें याद रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।